तो जय इन साथियों, देखिए हम लोग ये रेस्पायरेशन तो श्वसन का सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या पढ़ना है ना हमको, हम पिछली कक्षा में ये पढ़ा चुके थे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग बता चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करते हैं पादप में। पादप मतलब पौधों में, ठीक है। किसमें? पौधों में। पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे हो पाती है, ठीक है। वो लोग मतलब देखिए, श्वसन की क्रिया अलग चीज है, ठीक है। वो लोग ना बाहर से वातावरण से गैस कैसे अंदर अपने लेते हैं और अपने अंदर से कैसे गैसों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको क्या पढ़ना है, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन ये गैसों का आदान प्रदान है, शायद गैसों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है। अब सुनिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, अभी यहां पे लिखना चाहेंगे हम, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये अपने गैसों को कैसे आदान प्रदान करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा। देखिए किन किन चीजों के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान कर देते हैं। एक नंबर में आ जाते हैं पत्तियों द्वारा, ठीक है। दो नंबर में आता है रंध्रों द्वारा, ये रंध्रों के द्वारा भी करते हैं, रंध्रों द्वारा। तीन नंबर में आता है मूल रोम, पता है आपको किसको बोलते हैं, बता रहे हैं हम, मूत हो गया जी, मूल रोम द्वारा, ठीक है। उसके बाद से चार नंबर में आता है जड़ों द्वारा, देखिए सारा हो जाएगा जड़ों द्वारा। पांच नंबर में आता है क्या, सतहों द्वारा, ठीक है। एक होता है वात रंध्र द्वारा, ठीक है। देखिए इसका रंध्र का स्पेलिंग होता है एस्टोमाटा, इसका स्पेलिंग होता है जी एस्टोमाटा, लेकिन वात रंध्र का होता है लेंटीसेल, क्या होता है लेंटीसेल। अब ये नहीं पढ़ाना, नहीं तो पढ़ाते हैं, दोनों दो चीज है, ठीक है। देखिए पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किन किन चीजों द्वारा हो पाता है जी, तो पहले तो पत्तियों के द्वारा, उसका जो पत्ता है ना उसके द्वारा एक्सचेंज होता है गैसों का, ठीक है। गैस से अंदर आती है फिर उससे ही गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद से है रंध्रों के द्वारा, रंध्र मतलब एस्टोमाटा समझते हैं ना जी, उसके द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से मूल रोम। अब सुनिए मूल रोम क्या होता है, जो नया नया पेड़ पौधा होता है ना, देखिए उसके जड़ में मुलायम नया जड़ें निकलती है, ठीक है। मुलायम जड़ें निकलती है। मान लीजिए एक हम देखिए, ये रहा कोई पेड़, इसका नया नया जड़ निकलना भी शुरू हुआ, ठीक है। ये जो जड़ है ना, ये क्या है, ये जो जड़ है इससे क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इंटेक करता है, मान लीजिए ऑक्सीजन इससे ले रहा है, ठीक है, और फिर इसी से ऑक्सीजन को बाहर अपने भी निकाल दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन इसी के द्वारा ले रहा है और इसी के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए ना, हम नहीं किए, प्रकृति ने किया, क्या किया कि बाढ़ आ गया इस पेड़ पौधों के अगल बगल, क्या हुआ, बहुत सारा पानी आ गया, बहुत सारा बाढ़ आ गया, ठीक है। अब जब बाढ़ आ गया ना, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा पानी से, उतना मतलब घुलनशील ऑक्सीजन नहीं है पानी में कि इसको आसानी से प्राप्त हो सके ऑक्सीजन। तब ये क्या होगा ना, पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं। आप लोग देखे हैं ऐसा, क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधा ज्यादा दिन तक पानी में रह जाता है, हम जलीय पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी पेड़ पौधे को, नॉर्मल जो पेड़ पौधे, उसको ज्यादा दिन तक पानी में छोड़ दिए तो सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का कमी हो गया, ठीक है, उसमें दूसरे गैसों का कमी हो गई जिसके कारण वो सूख गए, ठीक है। ये जड़ों के द्वारा भी ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस करते हैं, मतलब आदान प्रदान कर लेते हैं मूल रोम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जड़ के द्वारा भी कर लेते हैं सतह। अब देखिए ये जो है ना, इसका टहनी मतलब सतह, इसके द्वारा क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद सतह हो गया वातरण, ये लेंटीसेल होते हैं, मतलब लेंटीसेल क्या होते हैं, ये होते हैं उस कोशिका के बाहर लगे रहते हैं, ठीक है, उसको द्वारा ये क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस यही पढ़ना था कि किन किन चीजों द्वारा करते हैं, ये सब याद रखिएगा। अगर आइए कभी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अगर ये कोई भी ऑप्शन में एक को दिख जाए तो उसको टिक कर देना है, समझ में आया। चलिए तो ये अब पढ़ते हैं कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखिए जो हम लोग बात करते हैं जंतु का, दो टाइप के जंतु दिखाई देते हैं, ठीक है, दो टाइप के जंतु कैसे कैसे दिखाई देते हैं। एक दिखाई देते हैं एक कोशिकीय निम्न स्तर का, एक कोशिकीय जंतु निम्न स्तर के, जैसे जैसे एक कोशिकीय निम्न स्तर, इसमें कौन कौन हो जाएगा जी, एक कोशिकीय और निम्न स्तर, क्या बोल रहे हैं जी, निम्न स्तर, ठीक है, एक कोशिकीय निम्न स्तर। एक कोशिकीय निम्न स्तर में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं बताइए, तो एक कोशिकीय निम्न स्तर में ना
आ जाते हैं आपके अमीबा पैरामिशियम, नाम सुने हैं लोग का, अमीबा और पैरामिशियम एक कोशिका के निम्न स्तर का जंतु है। इसमें आ जाएगा अमीबा, इसमें आ जाएगा जी आपका अमीबा और कौन सा पैरामिशियम, पैरामिशियम अमीबा पैरामिशियम, ठीक है। इसमें आता है अमीबा और पैरामिशियम, देखिए इनमें कैसे एक्सचेंज होता है गैसों का, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, इसमें देखिए कोशिका होते थे ये अपने शरीर के सतहों के द्वारा मतलब कोशिका के द्वारा डायरेक्टली एक्सचेंज कर पाते हैं गैसों का, ठीक है। अपने डायरेक्ट कोशिकाओं के द्वारा एक्सचेंज कर पाते हैं किसका, गैसों का, ठीक है। चलिए ये हो गया एक कोशिकीय निम्न स्तरीय, अब सुनिए एक कोशिकीय नहीं, अब थोड़ा सा बहुकोशिकीय निम्न स्तरीय देखते हैं, ठीक है। अब क्या आता है जी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय निम्न स्तरीय, लेकिन ये भी निम्न स्तर का है, ठीक है, निम्न स्तरीय, ध्यान दीजिएगा बहुकोशिकीय के निम्न स्तरीय। इसके एग्जांपल में कौन से आते हैं जी, बहुकोशिकीय के निम्न स्तरीय के एग्जांपल में आ जाते हैं आपके हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा। देखिए ये हाइड्रा कैसे करता है गैसों का एक्सचेंज, ठीक है। ये विसरण एक प्रक्रिया होती है, क्या विसरण एक प्रक्रिया होती है जो की पेड़ पौधों में विसरण के द्वारा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधे जो बताया था इसके पहले उसमें विसरण के द्वारा ही गैसों का एक्सचेंज हो पाता है, लेकिन हाइड्रा में भी विसरण के द्वारा ही गैसों का एक्सचेंज हो पाता है। हाइड्रा में कैसे होता है, विसरण लिख देते हैं, विसरण विसरण, ठीक है, विसरण के द्वारा। अब चलिए बहुकोशिकीय तक हम लोग आ गए हैं, बहुकोशिकीय निम्न स्तरीय तक आ गए हैं, ठीक है। अब सुनिए जो बहुकोशिकीय निम्न स्तरीय के बाद जो जंतु आते हैं उनमें तीन प्रकार से गैसों का एक्सचेंज हो पाता है, तीन प्रकार से, ठीक है। तीन प्रकार वो कौन कौन से है जी, पहला है, पहला क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया पहला है, ट्रैकिया दूसरा है क्या, गिल्स, दूसरा है गिल्स और थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है फेफड़ा, फेफड़ा जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं, इसको गिल से कहेंगे, इसको ट्रैकिया ही कहेंगे, ठीक है। अब सुनिए आते हैं हम लोग ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया एक नंबर में दिया है तो ट्रैकिया ही पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ट्रैकिया को पहले पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे ट्रैकिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रैकिया को स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिया देखिए ट्रैकिया में क्या होते हैं, ट्रैकिया कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहां पे, ये तेल चट्टा में, ग्रास हॉपर में, तेल चट्टा किसमें पाया जाता है, ये तेल चट्टा, तेल चट्टा, टिड्डा, टिड्डा का नाम सुनिए आप लोग, टी ये तेल चट्टा और टिड्डा, तेल चट्टा टिड्डा में पाया जाता है ये ट्रैकिया, ठीक है। अब सुनिए ट्रैकिया कैसा होता है, देखिए ट्रैकिया ना एक पतला ट्यूब के आकार का नली होता है, ट्रैकिया पतला ट्यूब के आकार का बहुत ही मतलब महीन एकदम बाल के जैसा, केस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, केस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया केस के जैसा पतला स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है ना ट्रैकिया, ये डायरेक्ट ये तेल चट्टा या फिर टिड्डा के उत्तकों से जुड़ा होता है, कहां से डायरेक्ट जुड़ा होता है जी, ये उत्तक से जुड़ा होता है। ट्रैकिया किससे जुड़ा होता है, एड बना रहे हैं, एड मतलब जुड़ना, एड मतलब चलिए लिख देते हैं, एड में जुड़ना, किससे जुड़ा होता है डायरेक्ट, ये टिश्यू से, ये टिश्यू से डायरेक्ट जुड़ा होता है, किससे, तेल चट्टा या फिर ग्रास होपर जो होता है ना उसके, ये डायरेक्ट ये उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब सुनिए तेल चट्टा हो गया, चाहे टिड्डा हो गया, इनमें ना ब्लड नहीं पाया जाता है, ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन वाला चीज नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन होता है जी, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम हीमो ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ट्रैकिया ये जो जिस जीव जंतु में ट्रैकिया पाया जाएगा उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब सुनिए ये हीमोग्लोबिन जो चीज है ना, हीमोग्लोबिन ये क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है और बाइंड करके कोशिकाओं तक लेके जाती है, लेकिन तेल चट्टा में ये हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जा रहा है, तो क्या ऑक्सीजन इससे बाइंड होकर डायरेक्ट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय लगाया गया है, इसमें लगा दिया गया ट्रैकिया जो कि डायरेक्ट इसको टिश्यू तक उत्तकों तक पहुंचा दे रहा है। समझ में आया, चलिए समझ में आ गया, तो इसको यहां खत्म करते हैं। अगर पूछ दे कि तेल चट्टा या फिर टिड्डा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उसमें कैसा होता है, तो बता दीजिए कि ट्रैकिया द्वारा डायरेक्ट उसका पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, उत्तक में। अब सुनिए एक गिल्स टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का, उसके बाद से फेफड़ा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए गिल्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे गिल्स,
इसको इंग्लिश में भी गिल्स ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी गिल्स ही कहलाता है, इंग्लिश में भी गिल्स ही कहलाता है, ठीक है। अब सुनिए गिल्स कैसे काम करता है, देखिए गिल्स कैसे काम करता है। ये ना प्राय मछलियों में देखने को मिलता है, प्राय मछलियों में देखने को मिलता है। ये कहां मिलता है, प्राय मछलियों, प्राय मछलियों में मिलता है, प्राय मछलियों में मिलता है। ये गिल्स कहां मिलता है, प्राय मछलियों मिलता है। देखिए जो भी जलीय जीव होते हैं, सभी जलीय जीव को हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ठीक है, कुछ ऐसा भी जिसमें नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्या है ना, प्राय मछलियों में मिलता है गिल्स। अब गिल्स कैसा होता है ना, मान लीजिए मेरा मछली है, ठीक है, ये मेरा मछली है, तो मछली का जो मुख होता है ना, मुंह, ये बनाने की कोशिश कर रहा है मछली, पता ना हमको भी नहीं आइडिया कैसे बनती है। मान लीजिए समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा मछली है, ठीक है। तो ये मछली जो है ना, मछली लीजिए यहां पे ऐसे इसका होता है ना, बना दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मछली है, ये मछली की इसको पार्श्व भाग बोलते हैं। ये कौन सा भाग है जी, पार्श्व भाग मतलब साइड, लेटरल, लेटरल साइड, लेटरल साइड, ठीक है, पार्श्व भाग मतलब लेटरल साइड। देखिए मान लीजिए मछली है ये, ठीक है, ये मछली के ये मुख है आगे वाला, इसका ये जो साइड हुआ है ये वाला, इसको बोल देंगे क्या, ये है इसका पार्श्व भाग, मतलब ये रहा इसका गिल्स, ठीक है। जो गिल्स होते हैं मछलियों कहां स्थित होता है, मुख गुहा के पार्श्व भाग में। ये कहां पे स्थित रहते हैं, मुख, मुख गुहा के पार पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में, ठीक है। ये कहां पे स्थित रहता है, गिल्स, मुख गुहा के पार्श्व भाग में। अच्छा ठीक है, गिल्स जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जिस कैविटी, जिस गुहा में स्थित होता है उसको बोलते हैं गिल्स पाउच, गिल्स पाउच, ठीक है, या फिर गिल्स कोस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इतने मछलियों को हटा दे रहे हैं, ठीक है, मछलियों को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। गिल्स जिस गुहा में या फिर जिस कैविटी में, जिस बैग में, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में जिसमें रहते, उसको बोलते हैं गिल्स कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं जी, गिल्स कोस्ट बोलते हैं, गिल्स कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में गिल्स पाउच बोलते हैं, गिल्स पाउच, POUCH, गिल्स पाउच, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारा गिल्स है, उसको एक बैग में पैक कर दें, एक पाउच में पैक कर दें, उसको गिल्स पाउच बोलेंगे, ठीक है, समझ आया, गिल्स पाउच किसे कहते हैं। अब सुनिए, जो ये गिल्स होता है ना, गिल्स में बहुत पतला पतला गिल्स लैमिलाई होते हैं, गिल्स लैमिलाई, और बताते हैं गिल्स लैमिलाई क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सब आपको लिखने का काम आएगा, गिल्स लैमिलाई, ठीक है। ये गिल्स लैमिलाई क्या होते हैं, देखिए पतला पतला ना आरेखित, मतलब नली के आकार के, आरेखित मतलब लंबा लंबा, नली के आकार का पतला पतला इसमें ये होता है, पतला पतला नली होता है, समझिए, ठीक है। और नली का काम क्या होता है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। इस नली का गिल्स लैमिलाई का काम क्या होता है, गिल्स लैमिलाई का काम क्या होता है, मान लीजिए जो मछली है, ठीक है, ये मछली जब समुद्र में, पानी में, नदी में जब चलती है ना, तो अपने जब शिकार करती है, जब खाना पकड़ती है, तो ये अपने मुख में, मुंह खोल के ऐसे खाना पकड़ेगी, जब मुंह खोल के खाना पकड़ती है ना, तो इसके मुंह में, इसके मुंह में खाना के साथ साथ जल भी प्रवेश कर जाता है, खाना के साथ साथ जल प्रवेश कर जाता है। लेकिन जल को अंदर अपने आहार नल में नहीं लेके जाती है, जल को आहार नल में लेके नहीं जाती है, उस जल को मुंह में ही रखती है, ठीक है। उसके बाद से उसको खाना अंदर लेके चली जाती है, ध्यान सुनिए, लिखने में काम आएगा, खाना अंदर लेके चली जाती है, और बच गया जो वहां पे जल, जल में क्या क्या होता है जी, देखिए क्या बच गया, जल बच गया, जल में होता है H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन, और O मतलब O4 ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच गया। इस ऑक्सीजन को सांस लेने में मदद कर लेती है, यही गिल्स लैमिलाई के मदद से ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और उससे अपना सांस लेने में मदद करती है मछली, ठीक है। अब सुनिए, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है उसके ये हीमोग्लोबिन और ब्लड, ब्लड में मिल जाते हैं, कहां पे मिल जाते हैं, ये ब्लड में, ये उसके ब्लड में मिल जाते हैं, और उसके सभी ऊतकों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिस प्रकार, इस प्रकार से मछलियां क्या करती हैं, अपने श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर ले पाती हैं जल में रहते हुए भी, ठीक है। ये गिल्स हम लोग में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से हम लोग पानी के अंदर भी जाके सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ये गिल्स बस मछलियों में पाया जाता है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग क्या बताएं, एक कोशिका के निम्न स्तरीय जीव जैसे अमीबा पैरामेशियम कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, उसके वजह से बहु कोशिका के निम्न स्तरीय मतलब हाइड्रा विषण द्वारा ये बॉडी सरफेस मतलब शरीर के सतह से, शरीर, शरीर के सतह द्वारा, सतह द्वारा ये सांस लेते हैं विसरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से आया ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़ा,
ट्रैकिया पहला हम लोग पढ़ लिए, ट्रैकिया किसमें होता है जी, ये होता है चलचट्टा और टिड्डा में, ये डायरेक्ट एक साइड से क्या जुड़ा होता है कोशिकाओं, इसके टिश्यू में उत्तक में कोशिकाओं में जुड़ा होता है, तथा दूसरी साइड ये उसके शरीर पे खुलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है जिसके कारण से ये ब्लड को बाइंड करके नहीं लेके जा पाता है कोशिकाओं तक, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं गिल्स, गिल्स कहाँ पे होता है, ये प्रायः मछलियों में मिलता है, कितना होता है ये एक जोड़ा, जोड़ा मतलब दो पीस, ठीक है, एक जोड़ा होता है, मुख बुआ के पार्श्व भाग में स्थित रहता है तथा गिल्स कोष्ट में रहते हैं, बहुत सारा गिल्स एक कोष्ट में रहता है जिसको गिल्स पाउच बोलते हैं, ठीक है। जो ये गिल्स लैमेलाई होते हैं, इस गिल्स पाउच में कौन होता है, गिल्स लैमेलाई, गिल्स लैमेलाई का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है यहाँ से और ब्लड में मिला के शरीर के अन्य भागों में भेज देता है, इस प्रकार से मछलियों में श्वसन हो पाता है। चलिए इन सारी चीजों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, उसको टच करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां पे हम लोग लिंक ये इसका क्या है पीडीएफ डालते रहते हैं, ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितना देर के हुआ, 16 मिनट।